दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि दिल्ली के 1,20,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसके जरिए अभिभावक बच्चों को लाइव देख सकेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से 53,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। देश का यह पहला ग्रीन बजट पेश करने का दावा जो दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। दिल्ली के स्कूलों में 1,20,000 सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से इस बजट में। बजट में 30 नए स्कूल खोलने का भी वादा किया गया है। तो केजरीवाल सरकार का बजट, बजट की मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। 1,000 नई क्लस्टर बसेस चलाई जाएंगी दिल्ली में। 6 नए बस डिपो दिल्ली में बनाए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन दिल्ली का, उसे मजबूत करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली के स्कूलों में 1,20,000 सीसीटीवी लगाने का वादा। वित्त मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया बजट पेश कर रहे हैं। रुपए प्रस्तावित हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोई दुर्घटना होने या अन्य आपात स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए फर्स्ट एड व्हीकल, फर्स्ट रेस्पोंडर व्हीकल FRV प्रदान करने का लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसमें प्रशिक्षित एम्बुलेंस कार्मिकों द्वारा संचालित 16 मोटरसाइकिल्स के साथ ये कार्यक्रम ईस्ट दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इससे तंग गलियों और भीड़ भरे क्षेत्रों में बचाव कार्रवाई शीघ्र संचालित करने में मदद मिलेगी। हमारी कैबिनेट और माननीय उपराज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। ये भी बता देना है कि कौन सी सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक जन स्वास्थ्य केंद्र जैसे मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक और दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरीज व सीट पीएचसी में उनकी उप समिति के रूप में एक जन स्वास्थ्य समिति का गठन होना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रबंधन में बेहतर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, जैसा कि स्कूल में SMC में किया गया है। वर्ष 2018-19 में इस कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी अभी ली जा रही है। दोनों बताना जरूरी है अध्यक्ष महोदय, उपराज्यपाल महोदय को यह भी पता चले कि जिसकी मंजूरी दे दी है उसके लिए विधानसभा में तालियां भी बजती हैं। तो हमको तालियां बजाने में भी गुरेज नहीं है। अगर वो पास करते रहे हम तालियां बजाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अच्छा एडवांस में बजाएंगे। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल वैन क्लिनिक्स की स्थापना की जाएगी जो विशेष रूप से आंख और कान संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे। 2018-19 में इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। दिल्ली कैबिनेट और माननीय उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है। आप में सत्ता पा सकते हैं। हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए सबके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2018-19 में इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हमारी सरकार व्यवसायियों के कौशल में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य व्यवसायियों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा ताकि व्यवसायिक विकास और क्षमता निर्माण किया जा सके। 2018-19 में इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो हमने अभी तक टीचर्स ट्रेनिंग पर काफी फोकस किया था, अब मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी अलग से योजना लाए हैं हेल्थ मिनिस्टर साहब की तरफ से। मैं वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,729 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 5,741 करोड़ रुपए राजस्व और 988 करोड़ रुपए पूंजी व्यय से संबद्ध है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।